हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो में सभी का दिल से स्वागत है। एक्चुअली ना मेरा हाँ मैं इंस्टा में कुछ दिनों से 1 वीक हो गया इस टाइप का रील बना रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको इस टाइप का, यहाँ पे पेपर में कुछ लिखा हुआ रहता है और यहाँ स्लो मोशन वीडियो चलती है। ठीक है गाइस, इसमें सेकेंड वीडियोज़ में भी ये मैंने चौंक्स पे निकाली थी, ये निकाली थी मैंने 5 रास्ते वाले सिग्नल पे, यहाँ छोटे छोटे फूल लगे हैं वहाँ से थी वीडियोज़ बनाई थी, और ये मेरे पीछे गार्डन वाला है। और थर्ड हाँ ये देखो, इसको भी देख लो, यहाँ भी थोड़ा पेपर में कुछ लिखा हुआ है दिल की बातें जो भी हैं लड्डू के लिए, और यहाँ पिछले मिशन बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें म्यूज़िक भी है, मैं आपको म्यूज़िक सुना रहा हूँ इसमें कैसे बनाता हूँ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी जो इस पेपर जो पेपर था वो डिलीट हो गया है मुझसे। एक्चुअली क्या है ना, मेरा फ़ोन आया था कि फ़ोटो को रिमूव करने के लिए, तो मेरा पेपर है मैं इसको क्या करूँगा, ये फ़ोटो मैंने दिखा दिया आपको मेरा ब्लैंक पेपर। ठीक है, तो अभी मैं जाऊँगा, मैं एक्चुअली क्या VN, ये रहा VN और ये रहा इंसर्ट, इंसर्ट और VN दोनों को मिलाकर के मैं ये वीडियो तैयार करता हूँ। पहले फर्स्ट में मैं जाऊँगा इंसर्ट में, तो इंसर्ट में हम जाएंगे फ़ोटो पे, यहाँ पे मैंने जो पेपर अपलोड किया था ना वहाँ पे, वो पेपर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा वो पेपर आ गया। ठीक है, ये देखो PNG पेपर है, इसको कर लेता हूँ हिंदी पे। मुझे हिंदी टेप बहुत स्लो आती है गाइड्स, तो माफ़ करना थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो। यहाँ पे हो गया देखो, ज़्यादा देने वाला हमेशा लिख दिया है, अभी मैं इसको कर लेता हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे, सेव करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे जाके मैंने कर दिया इसे सेव। ये मैं पे नहीं करता हूँ ना इन लोगों को, इसलिए ऐड घुसा देते बीच बीच में। मैं फ्री में यूज़ करता हूँ इसको, पेड वेड मैंने इसको ये नहीं किया, अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। ठीक है, तो अभी मैंने इसको सेव कर दिया। अभी उसी पिक्चर्स को मैंने जो मैंने टेक्स्ट किया था उसी पिक्चर्स को वापस लूँगा मैं यहाँ पे, देखो, क्योंकि ये तो अभी बनी है तो ये वाइट वाला जो बैकग्राउंड है ना उसमें आ जाएगा, इसलिए इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, कटआउट करना पड़ेगा। इस पे जाना है, कटआउट किया, ये देखो पीछे का पूरा वाइट बैकग्राउंड था वो हट गया। ओके मारा, ये देखो अभी ये मेरे पास क्या बचा है, PNG फाइल बची है, मतलब जो पेपर था जिसमें लिखा था वही बचा है। तो इसे मैं कर लेता हूँ अभी शेप किया था, तो अभी जो मैंने टेक्स्ट किया है ये मैंने वो लिखा था वाइट बैकग्राउंड के साथ में जो आ गया, और उसके बाद में मैंने इसको क्या किया था, कटआउट किया था, तो कटआउट मारने के बाद में ऐसा आ गया। तो ये देखो ये कटआउट, इसे कटआउट बोलते हैं, जो सिर्फ हमें जो फोकस जो प्रोजेक्ट है ना उसी पे रहना, उसे कटआउट बोलते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, VN में जाना है। अब मैं जाऊँगा VN में, मेरे पास ऐसे कोई वीडियोज़ तो नहीं है स्लो मोशन वाली, तो मैं यहाँ पर फोटो शेड कर देता हूँ ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी म्यूजिक लगा देता हूँ, ये म्यूजिक लगा देता हूँ। ठीक है, ये म्यूजिक मैंने लगा दिया। अभी वो जो मैंने बनाया था PNG पेपर्स, उसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, जाके फोटो में, और ये वाला मैंने टेक्स्ट किया था ना, ये देखो वो पेपर मैं यहाँ पे लेके आ गया, ये देखो। अभी ये जो गर्ल्स है ना बैकग्राउंड में वीडियो में, ये ऐसा लगेगा ये उसकी सोच है। ठीक है, अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, हाँ इस फोटो को PNG फाइल को मैं आगे तक स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है गाइस, ये आ गया, अभी आप देखो
बन गया। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा, ओके, इतना वीडियो के बराबर होना चाहिए। ये आ गया। अभी क्या बाकी है, मैं क्या करता हूँ, मैं तो जो बनाता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना सिग्नेचर डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रेड कलर में, दिल की बात या सच्ची बात या कड़वी बात, जो भी टाइटल देना हो मैं यहाँ पे ऊपर दे देता हूँ, आगे पीछे रोज़ लगा देता हूँ। यहाँ पे अपना सिग्नेचर के सामने एक ब्लू हार्ट या रेड हार्ट कुछ भी लगा देता हूँ और बीच में दो लाइन में स्टेटस लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, तो इसको मैं, मेरा वीडियो तो ये तो फोटो का ही मैंने वीडियो बनाया ना, तो यहाँ पे स्लो मोशन वीडियो होगी तो हम भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये फोटो है तो ज़्यादा बेटर, इसमें वो फील नहीं होगा इतना। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो PNG पेपर है इसको कर दूँगा एनिमेशन में डाल दूँगा। अभी इसको एनिमेशन में क्या डालने के लिए इसको टच करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन पे जाके इसको लुक, ये वाला अच्छा रहेगा, स्लो फास्ट भी कर सकते हैं, ये भी फास्ट होगा, इसमें कर देंगे तो स्लो हो जाएगा। इसको अब मैं कर देता हूँ ओके, ये चला गया और इसको भी प्ले कर देता हूँ। यहाँ से कर लूँगा मैं इसको एक्सपर्ट, राइट क्लिक करके वो ये इसका जो साइज है ऑटोमेटिकली ये कर लेता है कवर, ये फोटो शेप हो गई। अभी मैंने जो दोनों फोटो को पहले इंसॉर्ट में बनाया और उसके बाद में VN में जाके वीडियो में दोनों ज्वाइन कर दिया। अभी मैं आपको गैलरी में जाके दिखा देता हूँ कि मेरी गैलरी पे कैसे दिखता है। गैलरी पे वो सेव हो गया ना, वो तो मैंने वीडियो बनाया था, तो ये रहा, ये आता है। आप इसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, चाहे वो परम प्रेम हो या विश्वास। ओके, तो यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं दिल की बात और यहाँ पे अपना सिग्नेचर डाल के यहाँ पे कोई भी हार्ट, ब्लू हार्ट या रोज रेड हार्ट डाल सकते हैं और तो ये बड़ा ही औसम लगेगा और स्लो मोशन वीडियो में तो जोर ज़बरदस्त लगता है। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल दिखाया था, आप मेरी रील देख लो, मैंने कहाँ से रील बनाया था, मैं आपको रील दिखा दे रहा हूँ, इंस्टा पे जाके दिखा देता हूँ, ठीक है, इधर गैलरी में जल्दी मिलता नहीं है। तो मेरी एक रील देख लो, रील कोई भी रील चला दूँ, चलो ठीक है, ये रील देख लो, ये देखो इसमें मैंने क्या लिखा है टाइटल में, दिल की बात। ओके गाइस, दिल की बात, तुमने पूछा था ना कैसा हूँ मैं, कभी भूल नहीं पाओगे ऐसा हूँ मैं, ऐसा लिख दिया और स्लो मोशन में वीडियो चल रही है और इसमें म्यूजिक भी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ठीक है गाइस, देखो कितना ऑसम लग रहा है ना। तो बस यही थी मेरी, ये देखो यहाँ पे भी मैंने गोल्डन कर्ल्स वो बनाया था और यहाँ पे हाँ ऐसा लिख दिया, ए दर्द कुछ तो डिस्काउंट है, मैं रोज का खरीदा हूँ, ठीक है जो भी है। तो ऐसी कुछ रील बनती हैं। तो गाइस उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी, वीडियो तो पता नहीं कैसी लगेगी लेकिन मैं तो जो दिया हुआ आईडी शायद आपको काम आ जाए, रील बनाने का काम आएगा इंस्टा पे। तो देखो ट्राई करो आप भी, अगर आपसे होता है तो PNG पेपर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, उसमें ऐसे गूगल में जाके आप PNG पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, आप उसमें बहुत सारे साइज मिल जाते हैं, जैसे चाहिए वैसे मिल जाते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके और अपने मोबाइल पे ही सेट कर सकते हो, आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं देखो मेरे पास ये लैपटॉप है लेकिन मैं इसका यूज़ ही नहीं होता है, मेरे पास यूज़ ही नहीं होता है, मैं सब अभी पिछले मंथ मैंने इसका ये मोबाइल यूज़ बाय किया था बट मैंने इसको ना अभी तक वो नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या बोलते हैं, रिव्यू नहीं किया यार मैंने आप लोग को बताया।